As she turned 36 on Thursday, actress Kangana Ranaut began on a positive note by apologising to those she has hurt and even shared a message for her fans and followers. Kangana took to Instagram where she shared a video looking regal, dressed in a green sari with her hair tied back. The Dhakar actress first thanked her mother, father and her gurus, Sadhguru and Swami Vivekanand, for their teachings. She then went on to talk to her shatrus. आज अपने जन्मदिन के अवसर पे मैं अपने माता पिता के लिए आभार व्यक्त करना चाहती हूँ. मेरे माता पिता, मेरी कुलदेवी माँ अंबिका जी जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मेरे सारे गुरु, खासकर मेरे आध्यात्मिक गुरु श्री सद्गुरु जी, श्री स्वामी विवेकानंद जी, मेरे सारे प्रशंसक, शुभचिंतक जो मेरे साथ काम करते हैं, जिनके कारण मुझे इतनी सफलता मिली, मेरा परिवार, दोस्त, मेरे फैंस, सबके लिए आभार व्यक्त करती हूँ. और मेरे शत्रु जिन्होंने आज तक मुझे कभी आराम नहीं करने दिया, चाहे कितनी भी सफलता मिली पर फिर भी मुझे सफलता के मार्ग पे तत्पर रहा रखा, मुझे लड़ना सिखाया, संघर्ष करना सिखाया, उनकी भी मैं हमेशा आभारी रहूँगी. दोस्तों, मेरी विचारधारा बहुत सरल है, मेरा आचरण, सोच भी बहुत सरल है और मैं हमेशा सबका ही अच्छा चाहती हूँ. और इसके चलते अगर मैंने कभी किसी के लिए कुछ देश हित में या लार्जर पिक्चर के हित में मैंने किसी के लिए कुछ कहा हो और उनको उसका दुख हुआ हो, ठेस लगी हो, तो मैं उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ. मुझे लगता है श्री कृष्ण की कृपा से मुझे बहुत ही सौभाग्यपूर्ण जीवन मिला है और मेरे दिल में सबके प्रति सिर्फ स्नेह है और सुविचारी है, किसी के लिए कोई दुर्भावना नहीं है. जय श्री कृष्ण. On the work front, Kangana has just wrapped up shooting for Chandramukhi 2. She also has Emergency, Tejas, Manikarnika Returns, The Legend of Didda and the incarnation Sita lined up. INS report.